अभी हम इसको ऊपर ट्रैक करने वाले हैं चढ़ के, तो आप देख सकते हैं रस्सियां हैं, सारी रस्सियों से जुड़ेंगे। Got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. How I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. So hey guys, good evening, welcome back हो गया आप सभी लोगों का हमारी एक और नई वीडियो के साथ। एंड अभी इवनिंग हो चुकी है और काफ़ी टाइम बाद हम आज फिर से दोबारा जो साइकिल राइड पे जा रहे हैं। सो गोलू भाई और मैं, हम दोनों जने जा रहे हैं। तो गोलू भाई अपनी नीचे भी साइकिल में भर रहे हैं, वहाँ पे भर रहा है हवा तो ये भर रहा है अभी साइकिल में हुआ। तो मैं बेचारा छत पे आ गया था क्योंकि नीचे ना ट्रैक्टर आया है तो वहाँ पे आवाज़ आ रही थी साउंड उसकी, तो मैंने कहा छत पे जाकर शूट कर लेता हूँ क्योंकि अब राइड पे निकलना है। तो मैंने तो भर ली थी हवा एंड गोलू भाई भरता है, तो उसके बाद हम भी निकलते हैं राइड पे। सो देखते हैं कहाँ जाते हैं, कुछ पता नहीं है, अभी मार्केट की साइड को जाएंगे। तो थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड रहेगी आज क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत लॉन्ग तो रहेगी राइड। अब देखते हैं फिर भी कैसा रहता है, तो गोलू भाई से पूछूंगा। बट अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 6 बज गए हैं यार, वैसे ही सडनली बहुत लेट हो चुकी है। एंड गोलू भाई ने कहा चल रहे हैं फटाफट से, सडनली प्लान बना हमारा कि मार्केट जाना है, मार्केट में चलने हैं। मतलब तो मैंने चल ठीक है, मतलब साइकिल राइड पे चलने का है ना, ऐसा मार्केट का कुछ प्लान नहीं है अभी। सो मार्केट पे वैसे कह रहा हूँ मैं क्योंकि और कहीं ऐसा प्लेस भी नहीं है कि बढ़िया सा ना, तो मार्केट पे सही रहता है, ट्रैफिक वगैरह बढ़िया सा ना लगता है। गोलू भाई, संजना और छोटा, तो साइकिल में गोलू भाई की भर गई हवा एंड मैंने तो अपनी भर ली थी, आपके बाद में भरेंगे आके। गोलू भाई पंप रख दिया, गोलू भाई ने पंप भी रख दिया है ऐसे खुला हुआ, महान इंसान है। थोड़ा मैं और पीछे वाले टायर में भर लेता हूँ एंड फिर निकलते हैं। सो गाइस, फिलहाल हम लोग आ चुके हैं मेन रोड की तरफ को एंड अब निकल रहे हैं लडगलियार की साइड आ चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि तो फिलहाल हमारे पड़ोसी भी शेयर कर रहे हैं यूट्यूब बंदा वीडियो, तो फिलहाल अभी अब खड़गलियार तो पहुँचने वाले हैं एंड देखते हैं कहाँ को जाते हैं। गोलू भाई का प्लान अब चौकलप हो गया, अभी तक था मार्केट तो प्लान चेंज हो गया, तो देखते हैं काफ़ी साइड चलते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी पहुँच चुके हैं गडकरिया चौराहे पे। गोलू भाई तो भी आगे आगे भाग रहे हैं क्योंकि अभी नया नया जोश है ना, बहुत दिनों बाद वाला। तो फिलहाल तो यहाँ से ऊपर निकलते हैं अंदर अंदर ही। गोलू भाई कह रहे हैं हाईवे बहुत हो गया, अब चलेंगे अंदर अंदर। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो चौराहा भी अभी सुन नहीं हो रहा वैसे, तो देखते हैं कहाँ तक रहती है राइड। फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं नहर वाली रोड पे जो बाईपास सीधा गाड़ू धाम निकला है, सामने टावर है ना, वो टावर में ये गोलू भाई कह रहे वहाँ चढ़ रहा हूँ। चढ़ जाएगा तू, वहाँ तेरे बस का है भी, फोन फेंक दिया था अभी चूतिया ने अपना ना, वो तो जरा अच्छा भाई कि डैमेज नहीं हुआ, बच गया, वरना अभी रोता फिरता है। मैं उसको रोते हुए दिखाता आपको ना, खुश रो जितना है इतना ही रो रहा होता अभी। तो फिलहाल अभी हम आगे को ले आए तो है, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। हाँ, हमें सिखा दिया है ये कैरी मिनाटी बन दिया। फिलहाल देखते हैं अभी कहाँ तक जाते हैं, राइड तो कंटिन्यू करी है अपने अपनी। सो चल रहे हैं मजे से, तो वहीं जाके पता चलेगा कहाँ पहुँचते हैं। मुझे जहाँ तक एनर्जी है वहाँ तक चल रहे हैं कह रहा है, तो अभी चल रहे हैं दोनों जने साइकिल से, देखो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। मैं तो ऑडी में हूँ। ऑडी में कौन से वाले छल्ले लगा रखे इसमें तूने, घर में जो चूड़ी पहनते हैं घर वाले, बस वही वाली चूड़िया तो लगा छल्ले बना के एंड गोलू भाई का कहना है कि वहाँ चल रहे हैं सामने, कह रहे हैं टापू पे चल रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार भाई, इतनी रात हो चुकी है एंड वहाँ टापू पे जाना बहुत, मतलब बहुत बड़ी गलती होगी हमारी क्योंकि पूरा जंगल है देखो भयानक वाला। एंड आजकल यहाँ को तो और भी टाइगर आ रहा है, तो यार वैसे भी से पब्लिक है एंड ये कह रहे हैं कि वहाँ चल रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं जाएंगे वहाँ। एंड फिलहाल देखिए यहाँ से व्यू बहुत मस्त सा आ रहा है वहाँ का। सो अभी हम यहाँ की तरफ निकल रहे हैं सीधा गाड़ूधाम बाईपास, वहाँ से पब्लिक भी बता रही है गाड़ूधाम बाईपास। देखो मैं तो टूरिस्ट हूँ दादी, मैं तो टूरिस्ट हूँ, मेरे को नैनीताल ले जाओ ना। तो नैनीताल जाओगे? कौन सा नैनीताल जाओगे दादी? हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, अब देखते हैं कहाँ को निकलते हैं, ऊपर की साइड को निकलेंगे बहुत क्योंकि जाना नहीं जाना ऊपर यार, कहाँ जाना है तुझे? नीचे को जाना है, थक गया बढ़िया। तो फिलहाल हम लोग ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, तो फिलहाल गोलू भाई चले गए हैं आगे
एंड हम भी निकलते हैं आज, तो क्योंकि गोलू भाई तो अपने साथ से मिलने गया वहाँ। वैसे वो कह रहा है इधर आ जा, कुछ काम वाम करा लेते इधर से। तो मैंने कहा चलो गोलू भाई और मैं अब चलते हैं ऊपर की तरफ को, क्योंकि टाइम है जो काफ़ी हो चुका है। तो गोलू भाई चले गए अंदर। फिलहाल हमारी साइकिल जो राइड है कंटिन्यू करके हम आ गए हैं चौपुरा चौराहे पे, एंड हमने एक एक वाटर बोतल कैरी कर लिए। सो वेरी ये है गोलू भाई की, मैंने यहाँ पे कैरी करवा दी क्योंकि इनके उसमें ऑप्शन नहीं था ना आगे। ऑप्शन बहुत है लेकिन ऑप्शन नहीं, क्योंकि बार बार दिमाग ही नहीं है। वेरी फन ड्राइव हो चुका, हल्का हल्का लाइट हो गया, डिम हो चुकी है ऊपर की। सो नेचुरल लाइट है जो हमारी साइकिल पर तो है नहीं। तो फिलहाल अब देखो कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि अंधेरा होने तक ही चलेंगे हम, अंधेरा होने के बाद तो फिर वापस चले जाएंगे। बट कोशिश करेंगे कि अंधेरा होने तक राइड हो, क्योंकि अभी हम ज़्यादा तो नहीं आए हैं, बट फिर भी 5 किलोमीटर समथिंग पहुँच चुके हैं हम, एंड क्रॉस कर दिया हमने। गोलू भाई हमें लेके आ गए धूल वाले शहर में। सो यहाँ बहुत धूल हो रही है, एंड पहाड़ों वाला शहर गाइस बगल में ही पड़ता है हमारे, लेकिन हम जा नहीं रहे हैं। सो इग्नोर कर दिया आज हमने, नेक्स्ट टाइम बाघ आ रहा गाइस वहाँ बाघ, तो इसलिए धूलों वाले शहर से ही निपट लेते हैं पहले, फिर मार्केट निकलेंगे सीधा टिकने साइड, क्योंकि यहाँ पूरी रोड बन गया ना, तो इस वजह से सब खराब हो रहा है मामला। इसी वजह से देखिए बम्प इतना है ना, बता नहीं सकता आपको, एंड गाड़ियाँ भी काफ़ी आ रही हैं। सुबह से वाटर बॉटल तो है, थकान हो जाएगी, तो इसी वजह से हम थोड़ा लंबी राइड मार रहे हैं। तो यहाँ पे अभी गाड़ी हो गई है जाम क्योंकि रोड हो रही है छोटी, सो दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा टकराती है, बस निकल गई है। एंड अभी हम भी यहाँ पर रुके हुए थे क्योंकि यार रोड बहुत छोटी है ना, पूरी की पूरी खोद दी है रोड, तो भूस्खलन हो चुका है इस रोड में बहुत बुरा वाला। तो इस वजह से साइकिल राइड करने में बहुत दिक्कत हो रही, क्योंकि एक कार आ जा रही है ना, तो साइकिल भी एक राइड पास नहीं हो पा रही है भाई। बट आगे धूल ही धूल है बहुत बुरी वाली, सो मैं सोच रहा हूँ कि यार धूल से कैसे निकलेंगे क्योंकि। तो गाइस फिलहाल अभी हम आए हैं यहाँ पार्क में, चौपला पे हमें पार्क मिल गया था। सो गोलू भाई और हम पहुँच गए यहाँ पार्क, बहुत मस्त है क्योंकि नगर निगम का है वैसे, एंड काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ। सो बहुत नीचे तक है वैसे, बट अभी तो हम ऊपर ही सेट खड़े हैं, एंड अंधेरा भी हो चुका है, मौसम भी काफ़ी मस्त हो रहा है, हवा चल रही है एकदम कूल कूल सी। सो आप जज करिए, पार्क है बहुत मस्त है, तो कभी और नेक्स्ट टाइम आएंगे दिन में, बट हमें पता नहीं था। सो आज ही लोकेशन हमें पता चली कि यहाँ पे है, एंड आप देख सकते हैं नीचे तक है, और झूले भी काफ़ी सारे हैं। गोलू भाई भी बच्चे बन गए हैं, एंड ये नगर निगम का है वैसे, किसी का पर्सनली ऐसा है नहीं, तो गवर्नमेंट का है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना बड़ा बोर्ड लगा है, तो हमने कहा चलो हम भी चिल कर लेते हैं। एंड बाहर हमारी साइकिल खड़ी है भाई साइकिल, तो अभी डर भी लग रही है कि यार कहीं चोरी ना हो जाए, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसा है नहीं ब्लॉक वगैरह। फिलहाल थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं एंड फिर चलेंगे। तो गाइस अब चल रही है ट्रैकिंग, अभी हम इसको ऊपर ट्रैक करने वाले हैं चढ़ के, तो आप देख सकते हैं रस्सी हैं, सारी रस्सी से ऊपर जाएंगे। I'm dreaming you and I, all my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. आ सकता है यार, आ सकता है, आ जा आ जा, छोटे बच्चे का तो ये बच्चे आ रही, देखो नीचे निकालना, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, वहाँ वहाँ लेकर वहाँ, ये एंट्री यहाँ होगी देखो, एग्जिट एंट्री तो यहाँ से हो रही है। रोशन भाई आओ, तुम आ सकते हो भाई, इसमें फंसना मत।
तो देखो रोशन भैया की लटिया डूब गई है। तो ये आए रोशन भैया हमारे बहुत स्माइल देखो मतलब खतरनाक। And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never die. Call me whenever you need someone, babe. But I am in the jungle of love. झूले के ऊपर तो यहाँ से भी जा रहे हैं बच्चे। ये सारे बच्चे पहुंच गए यहाँ। सो गाइस फिलहाल अभी हम आए हैं झूले के ऊपर एंड हाथ वाथ बहुत लाल हो चुके हैं क्योंकि यार एक हाथ जगह पर चले गया था जहाँ जाने की जगह ही नहीं है ऐसी जगह पे। एंड गोलू भाई भी झूले का फुल मजा ले रहे हैं। तो यहाँ यार झूला है बच्चों का है लेकिन हम भी इसमें इंजॉय कर ले रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है बच्चों का क्योंकि थोड़ा बड़े टाइप में है झूले जैसे फन सिटी वगैरह में ना उस टाइप के हैं। सो हमने थोड़ा यहीं इंजॉय कर लेते हैं। तो यार छोटी आ गई है देखो फिर से ये यहाँ से सुरंग से जा रही है। दिखाता हूँ आप लोगों को ये देखो चले गई है सुरंग से ये पार निकल गई। हेलो कर दो एक बार तो चले गई गोलू भाई वहां खड़ा है। देखो तेरा बच्चों को डराता हूँ बार बच्चों को डराएगा बच्चों को। अरे यहाँ से हम नीचे उतर जाते हैं फिर अब क्योंकि ये उतरने का ही है फिर लोहे का बनाया है काफी हैवी है झूले। सो ये नीचे है जो ना मैट ओ लगी तो नहीं लगी नहीं लगी नहीं लगी नहीं लगी नहीं लगी चल कुछ नहीं लगी तो बच्ची गिर गई यहाँ पे क्या करते हो ऐसा। ये यार कैमरा लेके खड़ा है भेज रहा हूँ। फिलहाल गाइस हम आ गए हैं अब इस पे झूले पे तो गोलू भाई की पावर देखते हैं कितनी है। गोलू भाई ये है। गोलू भाई झुका ही नहीं पा रहे बिल्कुल भी देखो खड़ा हवा में उठ गया है इसके बस की नहीं है। मैंने दोनों पाव देखो ऊपर कर लिया है इसके बस की नहीं है देखो वेट की बातें कर रहा है और बस की है नहीं इसके। ये देखो इसके बस की है ही नहीं पावर देखो और पावर ये पावर के बाद पावर की बातें कर रहा है देखो पावर की। तो काफी मजा आ रहा है चिल हो रहा है चिल चिल मार के चल हो रहा है तो काफी बढ़िया सा लग रहा है यहाँ। एंड अभी फिलहाल वापस निकलेंगे गोलू भाई कह रहा है मुझे एक झूले में घूमना है मुझे तो वो झूला मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये है वो बतख तो इसमें बैठने की बात कर रहा है तो कह रहा इसमें बैठूंगा मैं। हैंडपम्प से पानी निकालता है क्या। तो गाइस फिलहाल अभी हम आ गए हैं पार्क के बाहर एंड अभी हमने हमारे साथ ना यहाँ के बंधु ने ऐसा काइंड कर दिया है। सो तो साइकिल चोरी नहीं हुई बस हम इस चीज़ के लिए कह रहा हूँ मैं बट साइकिल चोरी नहीं हुई बाकी पानी की बोतल तो चोरी हो चुकी है क्योंकि एक कैरी मैंने करी थी एक गोलू भाई ने अपनी साइकिल पे। बट हमने कहा यार अंदर क्या ले जाएं तो अब जो बाहर से है ना वो गैप हो चुकी है। सो हमने कहा चलो कोई बात नहीं बट साइकिल हमारी सेफ है अभी क्योंकि साइकिल पर लॉक नहीं था। भाई चल साइकिल भी लेके कोई भाग जाता है ना तो बहुत बुरा हो जाता है क्योंकि यार साइकिल तो बहुत महंगी है एंड वाटर बॉटल तो कोई बात नहीं 10-20 रुपए की आ जाती है यार कोई बात नहीं जिसने पी ली चलो ठीक है एंड हमारी साइकिल सेफ है। तो फिलहाल अब साइकिल लेके चलते हैं क्योंकि पीछे तो पार्क था एंड पार्क पर अभी थोड़ा देर हम बैठे थे ऐसे ही क्योंकि हमें पता नहीं था। तो सो चलते चलते सडनली दिखा तो हम आ गए एंड काफ़ी मस्त था अंदर। गोलू भाई मज़ा आया नहीं यार लेकिन लास्ट में स्कैम हो गया यार अभी बहुत गंदा वाला करा यहाँ के लड्डू ने। सो ऐसा करना नहीं चाहिए था लेकिन बहुत गंदा वाला स्कैम कर दिया है लड्डू ने एंड यहाँ बच्चा गैंग आ गई है। सो ऐसा गलत किया तो जो भी है चलो हमारी साइकिल सेफ है फिलहाल एंड अभी हम चलते हैं मार्केट होते हुए वापस।
I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me. So guys, फिलहाल हम आ गए, काफी पहुंच चुके हैं, लाल लाल पहुंचने वाले हैं एंड मेन रोड्स की तरफ से आ रहे हैं। तो यार मेरा ब्रेक है जो ना बहुत लूज हो चुका है, पता नहीं साइकिल राइड कर करके ना लूज हो गया, क्योंकि यही वाला ब्रेक मेरा ज़्यादातर पड़ता है ना, क्योंकि अगला है जो बट है जो डिस्क बट अगला है जो काफ़ी भी हल्के समय मतलब जल जाता है, तो इतने में जब दब जाता है बेटे इतने में अब Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never die. Call me whenever you need someone, babe. मैं भी घर आ चुका हूँ एंड टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, सो 9 से ऊपर हो गया टाइम, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 9 बज गया देखो फैक्ट। सो अभी फिलहाल मैं अपने रूम पे आ गया हूँ एंड रूम पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मम्मी लोग हैं तो सभी लोग ऊपर गए हैं, चाचा के वहाँ आज मकान बना था तो उनका लेंटर वगैरह पड़ा था ना, तो वहीं गए हैं सबके सब, सोए हो अभी घर पे, तो फेस वगैरह भी वॉश नहीं किया मैंने, पसीना पसीना हो रहा पूरा का पूरा एंड फेस वगैरह वॉश करते हैं एंड रेस्ट वगैरह करते हैं थोड़ा, क्योंकि यार काफ़ी थकान हो चुकी है बहुत ज़्यादा एंड पार्क मिल गया था तो काफ़ी थोड़ा मस्ती करी वहाँ, बहुत मज़ा आया वैसे, क्योंकि ना लिटरली ऐसे पार्क यहाँ मिलते नहीं है हल्द्वानी के अंदर, बहुत कम होंगे ऐसे पार्क, बट बहुत मस्त पार्क बनाया वहाँ पर एंड मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पे वगैरह भी कुछ नहीं करना है। सो आप लोग भी जाइए जो लोकल के हैं एंड दूर के तो जा नहीं सकते हैं, तो लोकल के हैं जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो लोग जाइए एंड बहुत मस्त है। सो फिलहाल तो अभी आ गया हूँ रूम पे एंड गोलू भाई भी चले गए अपने घर को, तो आज का ब्लॉग भी यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें एंड कोई नया है तो भी सब्सक्राइब कर दे चैनल पे एंड बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूले, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगी। सो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के इस ब्लॉग में। It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours.